अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नदर व्लॉग। हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी अपने दोस्त की तरफ, पहले जाऊँगा। वहाँ से हम लोग जो है जाएंगे लंच करने के लिए। आप आउटसाइड जी व्यू देख सकते हैं माशाल्लाह जी, लाहौर का वेदर जो है बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो आज हम लोगों ने प्लान किया जी कल इसलिए जी आपको दिखाते हैं जी जाम। इन्होंने गड्डी देखे महंगी दसने, गड्डी देखे महंगी दसने, वो साड़ी उसको रुक गई, उन्हें रेडी वाला ज़्यादा दस नहीं गड्डी देखे जी। नाजिन अभी हम लोग जो सड़क के किनारे खड़े हुए हैं जामन लेने के लिए, जामन का पूछते हैं जो तो गड्डी तो नहीं उतरेंगे ना, और थले देखिए फुटपाथ ना मार दी पता लगे अभी। और जामन का रेट पूछने गया है, देखते हैं जी जामन का रेट यहाँ पे क्या है। तो इंशाल्लाह जो है आपसे जो है रात को जो है हमारा न्यू व्लॉग आएगा, वो आपने लाजमी देखना है। तो हमें जो है कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि हम लोग जो है आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको जो है इतने अच्छे पॉइंट्स दिखाते हैं। फर्नीचर की जो है अब मैं आपको दोबारा से जो है वीडियो दिखाने वाला हूँ। फर्नीचर का जो है आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त जो है मार्केट में जो है रेट होता है, लेकिन मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपके लिए फर्नीचर के जो है सस्ते से सस्ते जो है पॉइंट्स लेके आऊँ, आप लोगों का फ़ायदा हो। और इसके अलावा मैं आपके लिए गारमेंट्स के भी कितने ज़बरदस्त पॉइंट लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी और सस्ती गारमेंट्स मिल सके। तो क्या रेट अभी देखते हैं जी, ये आया जी पूछते हैं रेट क्या मिला है इसको। हाँ मौलाना साहब की रेट है, हाँ मुफ्तल वाले जी नाजीन अभी जो है इतने मीठे नहीं है, और ये बारिश के बाद ही इतने मोटे मोटे तो हो जाते हैं। हाँ ले अब बोतल देखी जरा थल थले डिगी हो आहो खाली है जान दे। अभी हम लोग जा रहे हैं जी, सामने आपको नजर आएगा जी गवर्नर हाउस, और ये जनाब इसमें लगता है जनाब आपकी तोड़ के इन्होंने लाए ने ना, ये दूसरे शहर दे ने ना वो मीठे होते ने, क्योंकि उन्होंने सही खुराक दी होती है खाना खाते सिर्फ ऐसे आम ही कुदरती लगे ने। तो इन्होंने तो फ्री दी दिहाड़ी की रेट की दे रहा सी 100 रुपए के पाव जी। नौसिन जामन भी हो गया जी 400 रुपए के किलो, 100 रुपए के पाव। अच्छा बंद करो उन कैमरे को, अच्छा गल कर लो ना फिर डेली तक एक मिनट यहां से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपको जो है लेके जा रहा हूँ जी लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग, उसके बाद जाएंगे जी एम्मा मालम रोड, और बाइट जो है कुछ खाने का प्लान है। हाँ जी, तो अभी हम जाएंगे जी लंच करेंगे, फिर आपसे जो है बात होती है। अभी आप लाहौर का वेदर इंजॉय करें यार, लाहौर का वेदर कितना जबरदस्त हुआ है। मैं कहता हूँ लाहौर का वेदर ऐसे हुआ है जैसे ना कैलिफोर्निया बना हुआ है ना, ऐसे लग रहा है जी हम लोग आए हुए जी टर्की आ गए, बल्कि कैलिफोर्निया आ गए। तो ये देखिए जी यार पूरे बादल छाए हुए हैं, और हम लोग अभी गुजरे हैं जी रेस कोर्स के पास से, ये जो है जेल रोड के पास जेड होटल लाहौर कॉलेज, लाहौर कॉलेज लड़कियों की आहरी आराम का ये आ गया जी शाद माला। अब किस साइड पे जाएंगे, यही मुड़ जाए क्या नैरो नैरो जाने। हाँ वहाँ चाचा तो खड़े हुए थे यही से बोले शाद वहाँ से जा रहे, जल्दी बोलो कि कहीं और जाना है, देख लो तुम्हारी मर्जी। हाँ तुम्हारी मर्जी, मोड़ ले फिर मोड़ लो। ये देखिए लाहौर की खूबसूरती, लाहौर को कहते हैं जी भगो का शहर, और जिन्हें लाहौर नहीं देखा थे वो जमिया ही नहीं। तो तुसी भी लाहौर विजिट करो, तुसी भी लाहौर की खूबसूरती चेक करो, दरख्त लगे वाह जी वाह माशाल्लाह। अभी आपको लेके जाता हूँ जी रास्ते में, दिखाता हूँ इंतहाई खूबसूरत जो है एक F-16 खड़ा हुआ है, और आपको दिखाता हूँ जी उसे बोलते हैं जी चाइना चौक। चाइना चौक के बिल्कुल साथ है जी लॉर्डनेस गार्डन, जिसका पुराना नाम था जी लॉर्डनेस गार्डन, अब उसको कहते हैं जी जिना बाग। वो ये अच्छी हुई सी ना याद ही आई सी तो ये आ गया जी जहाज चाइना चौक, खूबसूरत तरीन, और इसके साथ है जी यार सी वॉक भी नहीं जा रहे हैं, तुसी कितने भी नहीं जा रहे, तुसी खाली वॉक करी, तुसी कितने भी नहीं जा रहे है ना। ओए लॉर्ड चैंबर दी मेंबरशिप बनाई हो, रिन्यू की थी
नहीं की थी जी अभी आपका छह सात हजार तो फायदा क्यों यार की ग्रीडी की मौसम लग रहा है यार कम से कम व्लॉग कितना होना चाहिए 5 मिनट का होना चाहिए 10 मिनट का पूरे 5 मिनट का अभी 3 मिनट का हो गया अभी 2 मिनट और थोड़ा सा बोलो ताकि हम व्लॉग अच्छा बन जाए ये खड़े हैं सामने देखिए जी फुल बादल हैं नहर के साइड पे कितने ग्रीन ट्री आपको नजर आ रहे हैं तो इसी तरह जो है अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल का बटन दबाएं ताकि मैं आपको लिए इस तरह की जी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं ड्राइव के दौरान इसलिए मैं ज़्यादा कैमरे में नहीं देख रहा क्योंकि ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपको मतलब रोड पर